जय दोस्तों। तो आज हम सीटेट से जुड़े हुए कुछ टैग वर्ड्स को डिस्कस करने वाले हैं। कुछ निगेटिव टैग वर्ड्स होंगे और कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड्स होंगे, जिसे हम आज डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस टैग वर्ड का यूज करके किस प्रकार से नंबर हम ले सकते हैं। तो आपको ये जो की वर्ड्स जो हैं या की पॉइंट्स जो हैं, इनका ख्याल रखना है। इसके आधार पर आप आसानी से ऑप्शन को पिक कर पाएंगे और नंबर अच्छा का आ पाएगा। चलिए देखते हैं सीटेट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टैग वर्ड्स होते हैं, जरा हम उसको डिस्कशन कर लेते हैं। और ये मैं जो भी चीज आपको बता रहा हूँ, ये आपको पैडागोजी से रिलेटेड होंगी, जो आपको ईबीएस या ईबीएस हो जाएगा और फिर सीडीपी में भी काम करेगा, या आपकी कोई भी सब्जेक्ट होगी जो पैडागोजी होगा उसमें ये काम करेगा। तो आइए देखते हैं कि कौन से वो टैग वर्ड्स हैं। जैसे कि हम डिस्कस करेंगे सीटेट टैग वर्ड्स, ठीक है। निगेटिव टैग वर्ड्स क्या है? अगर आपको क्वेश्चन दिखा और क्वेश्चन में दिखा क्या रटना, रोट लर्निंग दिया गया है, रटने की बात की गई है, तो आप उस ऑप्शन को छोड़ सकते हैं। यानी सीटेट में बच्चों को कभी भी रटवाना नहीं है, तो ये निगेटिव पॉइंट होता है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। फिर कंपेयर, अब जो कंपेयर वाली बात आ गई, यानी कि बच्चों किसी एक बच्चे को किसी दूसरे बच्चे से कंपेयर नहीं करना है। कंपेयर आप कर दिए, कंपेयर करके अगर आपने क्वेश्चन के आंसर को पिक कर दिया तो आपका नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिए कि हमको कंपेयर नहीं करना है बच्चे में, क्योंकि प्रत्येक बालक अपने आप में एक विशिष्ट बालक होता है, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर किसी ना कोई खासियत होती है, इसलिए कंपेयर नहीं करना है, वो आपका गलत हो जाएगा। तो ये भी निगेटिव वर्ड में आता है। फिर है पुस्तक केंद्रित, यानी या हम कह सकते हैं शिक्षक केंद्रित पहले हमारा पाठ्यक्रम था, ये भी जहां दिखेगा वो हमारा निगेटिव वर्ड होता है। आज जो एनईपी हमारा 2020 कह सकते हैं वो आया हुआ है, या 2022 कह सकते हैं जो लागू हुआ है, उसमें पढ़ाई को पूरी तरह से ना चाइल्ड सेंटर्ड बना दिया गया है। यानी पाठ्य पुस्तक केंद्रित पढ़ाई नहीं होगी, और पहले शिक्षक केंद्रित पढ़ाई होती थी, यानी शिक्षक अपने अनुसार पढ़ाते थे। अब ऐसा नहीं है, अब बच्चों के पूर्व ज्ञान को जानकर हम उसको आगे का ज्ञान देते हैं। यानी बच्चे को पास जो ज्ञान है, उसके ज्ञान को जानने के बाद उसके ज्ञान में ही कुछ चीजों को हम ऐड करके उसको आगे बढ़ा के उसको नया ज्ञान देते हैं। ये आज का करिकुलम ऐसा बना हुआ है। तो फिर ये शिक्षक केंद्रित हमारे लिए निगेटिव वर्ड हो जाएगा। अब एक दंडित, यानी बच्चे को पनिश नहीं करना है, अगर आपने पनिश कर दिया तो फिर नंबर गए आपके, ठीक है, ये भी निगेटिव वर्ड होता है। फिर एक आता है लिंग रूढ़िबद्धता है, यानी कि लड़का लड़की ऐसा आता है ना, तो वैसा अगर आप कर रहे कंपेयर कर दे रहे लड़का में लड़की में, तो वो भी आपका निगेटिव हो गया। फिर सेक्स की बात कर लेते हैं, यानी मेल फीमेल की बात करेगा, ठीक है ना, तो स्त्री पुरुष की बात करेंगे तो वो भी हमारा हो गया निगेटिव वर्ड हो जाएगा। अब ये कहता है जेंडर विभेदीकरण, ठीक है ना, जेंडर बायस, जेंडर विभेदीकरण, ये भी क्या है, ये भी हमारा आपको आ जाएगा उसमें निगेटिव पॉइंट्स में आ जाएगा। अब इसी का हमारे पास पॉजिटिव क्या है देखते हैं, समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा में क्या करना है कि किसी भी तरह का बालक है उसको एक साथ, यानी कि कोई मंदबुद्धि का बालक है, कोई बहुत तेज बालक है, कोई दिव्यांग बालक है, कोई अमीर घर का बालक है, कोई गरीब बालक है, इन सबको एक साथ रख के एक वर्ग में बैठा कर ही शिक्षा प्रदान करना है, ऐसी व्यवस्था कोई कहते हैं समावेशी शिक्षा। तो ये हमारा पॉजिटिव अप्रोच में आता है, पॉजिटिव अप्रोच में आएगा हमारा समावेशी शिक्षा। तो ये हमारा पॉजिटिव अप्रोच रहा, समावेशी शिक्षा आ जाएगा, यानी पॉजिटिव बात कहेगा। फिर है करके सीखना, यानी लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि बच्चे को हम कुछ सिखाएंगे तो आप कुछ पढ़ा रहे हो तो उसको तुरंत उसको उसके रियल लाइफ से जोड़ दीजिए, एक्सपीरियंस कर लेगा, तुरंत सीख लेगा। यानी करके सीखने पर ज्यादा जोर दिया गया है, तो ऐसा अगर ऑप्शन आता है तो आप आसानी से टिक कर दीजिएगा और राइट आंसर चला जाएगा। फिर प्रैक्टिकल नॉलेज, वही करके सीखना, वही मैंने प्रैक्टिकल लिखा हुआ है, प्रैक्टिकली आप बच्चों को ज्यादा करवाइए, ये भी हमारे पॉजिटिव में जाएगा। फिर आजकल ये विद्यार्थी केंद्रित हमारी शिक्षा है, यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो गई है। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन मैंने पहले ही बताया, एनईपी 2020 जो कहता है बात को, तो उसको आप ध्यान रखिए कि ये चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में आपको, यानी बच्चे को ज्ञान को जान करके हम आगे की उसकी शिक्षा को प्रदान करेंगे। एक्सपीरियंस लर्निंग मतलब बच्चे को एक्सपीरियंस करवाइए, वही प्रैक्टिकल कर देंगे तो एक्सपीरियंस हो जाता है, पॉजिटिव। विशिष्ट शिक्षा, वही सारे बच्चों को बैठा करके हम क्या करेंगे, विशिष्ट शिक्षा भी जो है वो हमारा पॉजिटिव अप्रोच के अंतर्गत आ जाता है। फिर जेंडर, ध्यान दीजिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर, मैंने इसीलिए दोनों पॉइंट्स लिखे हुए हैं। सेक्स की बात करेगा तो निगेटिव बात है, जेंडर की बात करेगा कहेगा जेंडर जो है वो कैसी अवधारणा है, तो जेंडर जो है जेंडर सामाजिक अवधारणा है, याद रखिएगा इस बात को, जेंडर क्या है सामाजिक अवधारणा है, और सेक्स जो है वो क्या है, वो जैविक है, यानी कि वो
वैसा ही जन्म हुआ, एक लड़का है एक लड़की है, तो वैसा विभेद आप नहीं कर सकते हैं, सबको हम समान रूप से शिक्षा प्रदान करते हैं। तो यार ये सेक्स वाली जो बात कहेगा ये हमारा नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। वही जेंडर की बात करेगा तो जेंडर को पॉजिटिव लेकर चलेंगे, क्योंकि जेंडर समाज में दिया हुआ है, ठीक है। तो जेंडर हमारा ये क्या है, कैसी उदाहरण है, तो सामाजिक उदाहरण है, इसका ख्याल रखना होता है। और भी बहुत सारे टैग वर्ड्स हैं, बट हम आज इतने ही टैग वर्ड को एक्सप्लेन कर पाए, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाती है। और फिर हम आपको नेक्स्ट एक वीडियो में डाल रहा हूं, आज या कल में एक और वीडियो अपलोड हो जाएगी, जिसमें आपको टीचिंग से रिलेटेड बच्चों में कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, जैसे बच्चा बी को डी लिखता है, बी को डी पढ़ता है, रंग को नहीं देख पाता है, समझ नहीं पाता है, ठीक है, किसी आकृति को देखकर नहीं पहचान पाएगा, तो ये कौन कौन सी साइकोलॉजिकल बीमारियां होती हैं बच्चों में, उसको डिस्कस करेंगे। वहां से 2 से 3 नंबर सीटेट में पूछा जाता है, तो उसको भी हम बता देंगे। वही डिसग्राफिया होता है, डिसलेक्सिया होता है, ठीक है ना, ये सारी मैं आपको डिस्कस कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टैग वर्ड्स के साथ और फिर कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, जय हिंद।